आपने कहा कि आदर्श है ना फादर बन सकते हैं लॉ और लव का बैलेंस रखते हुए पर जैसे एक माँ के रोल में हम देखते हैं कि मदर की वीकनेस है मुह, मुह में अंधे हो जाते हैं वैसे फादर का वीकनेस थोड़ा एग्रेशन है और वही एग्रेशन बच्चे में भी ट्रांसफर होता है तो वो एग्रेशन को जीतने के लिए तभी लॉ और लव का बैलेंस हो सकता है डिसिप्लिन के नाम के नीचे एग्रेशन निकलता रहता है और प्यार कम हो जाता है तो उसके लिए क्या करें यस yes, ये चला आ रहा है परंपरा से क्योंकि फादर को घर चलाना है ना तो सब उसके ऊपर डिपेंडेंट है माँ भी उसकी तरफ देख रही है बच्चा भी उसकी तरफ देख रहा है पत्नी भी उसकी तरफ देख रहा है तो इसको हम कहते हैं मेल ईगो कि मैं घर चलाने वाला हूँ मेरी सुननी चाहिए आज भी वहां पर ये चलता है जहां पर बिचारी माता है हाउस वाइफ रहती है और क्योंकि हरेक को जरूरतें पूरी करने मेरे पास ही आना है तो डोमिनेंट नेचर ये आ जाता है ना और उसके साथ मेल कहते हैं हम जी, इसको साइकोलॉजी में तो वो डोमिनेट करने का नेचर नेचुरली वो आ जाता है गुस्सा है ना तो यहाँ पर अभी हमको ये समझना चाहिए कि अगर मैं गुस्सा करता हूँ तो हमको पता है गुस्से से क्या होता है गुस्से से लोग आपसे डरने लगेंगे और बच्चों के लिए अगर खास फादर का रोल चल रहा है अगर आप गुस्से से बच्चों को डिसिप्लिन करना चाहते हैं तो वो नहीं हो सकता नहीं। आज हमारे सामने हमको पता है कि साइकोलॉजी भी ये कहती है कि स्कूल में भी हम बच्चों को डांट नहीं सकते नहीं। मार नहीं सकते क्यों क्योंकि अभी के बच्चों में वो ताकत नहीं रही है जी। तो हमारे पास तो एक केस हुआ कि पिता को इतना गुस्सा आया कि उसने ऐसे मारने के लिए और वो बच्चा इतना डर गया डर के मारे उसका हार्ट ही रुक गया oh ये बहुत खतरनाक चीज मना मेरे को इतना मतलब कि इसका रीजन मेन है ये बिलीफ है ना लेकिन मारेंगे तो अपने आप सुधर जाएंगे ये बिलीफ शुरुआत में बहुत ही है, हमारे साथ yes, तो वही हुआ है yes. लेकिन आज वही बिलीफ क्यों काम काम नहीं नहीं कर नहीं? काम कर रहा रहा है क्योंकि एलिमेंट्स बदल रहे आत्माओं की शक्ति खत्म हो चुकी okay. है हम अंतिम पड़ाव पर है तो आत्माओं की शक्ति खत्म हो चुकी है और हैविंग सेड दिस मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डिसिप्लिन नहीं करना चाहिए है ना मैसेज नहीं देना चाहिए मैं यहाँ पे एक ही लाइन में ये कहना चाहूंगा इट इज नॉट यू से बट द वे यू से दैट मेक्स द डिफरेंस आपको अपनी बात जरूर कहनी चाहिए सिर्फ कहने का तरीका अच्छा होना चाहिए राइट right. तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ठीक नहीं बिहेव कर रहा है या उसके अंदर आप कुछ सुधार चाहते हैं तो बच्चों के साथ आके बात करनी चाहिए देख बेटा तूने ये काम अच्छा किया ये काम तुम अच्छा करते ये भी अच्छा करते लेकिन ये तुमने अच्छा किया ना ये मुझे अच्छा नहीं लगा hmm. अगर आप ये काम अच्छा करेंगे ना इस तरह से करेंगे तो अच्छा हो सकता है आपको क्या लगता है इसमें आप उसका सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं तोड़ रहे नहीं। उसका डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहे उसको प्यार से समझा रहे है ना तो वो बच्चा एक्सेप्ट जल्दी कर लेता है तो यस गुस्से को मैनेज करना कई बार मुश्किल होता है क्योंकि उसको अपना भी प्रेशर होता है यस अभी उसको भी प्रेशर है उसके ऑफिस में कुछ हुआ सकता है बिजनेस में अप एंड डाउन होते हैं तो यस उसको प्रेशर होता है माँ बाप को पर वो प्रेशर हेल्दी तरीके से रिलीज करे और जब आपका मूड डिस्टर्ब हो उस समय आप बात अवॉइड करो या बात टेकअप बात है ना और डेफिनेटली हम कहेंगे कि मेडिटेशन करो जी। क्योंकि मेडिटेशन से आपको ये शक्ति तो आ जाती है कि ऑफिस के प्रेशर आप ऑफिस में रखे घर पे आप एक पिता है ऑफिस में आप बॉस हो सकते हैं फिर घर में एक पिता है पिता का रोल आप भाई है पति है तो अपने रोल को अच्छी तरह से प्ले करते हैं मतलब वो है। रोल जब मिक्स हो जाते हैं तब गड़बड़ होती है तो वो रोल को अपने रोल में ही रखने के लिए मेडिटेशन आपको ताकत देता ताकत है आपकी पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ओम शांति ओम शांति